बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्रथम लागु दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन लाख तली लाल हेड़िया मेरे जीव के यही जीवन पिया मेरे जीव के यही जीवन। सदगुरु सोए जो वतन बतावे मोह माया और आप पार पुरुख जो परखावे श्री महामत तासु कीजे मिलाप श्री महामत तासु कीजे मिलाप चल्यो जुग जाय रे सुध बिना। प्रणाम। आप धाम धनी अक्षराती श्री राज्य महाराज विद्वत वर्ग और धाम धनी के अति प्यारे प्राणाधार सुंदर सा जी, प्यारे साथियों, सज्जनों, माताएं, बहने, भाई वर्ग, सबको मेरा प्रणाम। कंथराई की इस पावन भूमि में आखिरी दिन की ये प्रथम सभा है। कई बंधुगण, सुंदर साजन नए होंगे, कई पुराने होंगे, धाम धनी की ये वाणी इस सृष्टि में कई बंधुगणों को ये प्रश्न होता होगा कि आखिर ये कौन सा यज्ञ चल रहा है। कंथराई ये प्राथमिक शाला में तो समझ लेना प्यारे साथियों, ये ब्रह्मज्ञान महायज्ञ है। कल की चर्चा में, सत्संग में पूज्य स्वामी जी ने एक बात बताई थी, रीति जानात न मुक्ति। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के जब तक श्री प्राणनाथ जी की वाणी इस सृष्टि में नहीं आई थी। बोलो श्री प्राणनाथ। भाई जो भी आते जाएं वो बैठते जाएं, ये प्रसंग, ये वाणी क्या है, वाणी कहना क्या चाहती है, सत्संग क्यों रखा जाता है, सत्संग में बैठने से हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आता है, क्या जो सत्संग में बैठता है उनके जीवन में परिवर्तन आता है, या जिसके अंदर सत्संग बैठता है उसके अंदर परिवर्तन आता है, ये सारी बातें आपको सुनने मिलेगी। तो प्यारे साथियों, बात चल रही थी कि धाम धनी श्री प्राणनाथ जी की वाणी सृष्टि में आई तो क्यों आई। तो पता चला कि सृष्टि से प्रारंभ से लेकर जब तक ये वाणी तारतम के वचन इस सृष्टि में नहीं आए थे, नवतनपुरी में भी प्रकट नहीं हुए थे, तब तक संसार के अंदर प्रकाश तो था, ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं था। संसार के अंदर चार वेद थे, उपनिषद थे, दर्शन भी थे, रामायण का अवतरण भी हो चुका था, भागवत गीता भी आ चुकी थी। ज्ञान तो था पर धुंध भरा ज्ञान था। कैसा था? कोहरा होता है ना, कोहरा, कोहरे के अंदर लाइट जलाओ तो भी नजदीक का भी दिखता नहीं है, होता है कि नहीं। तो धाम धनी श्री प्राणनाथ जी ने इस सृष्टि में आकर के बताया, चौथे दिन की लीला में जब वो शक्ति देवचंद्र महाराज के धाम दिल में बैठी थी, और तब जागृत बुद्धि का ज्ञान कब आया, तो बताते हैं कि एते दिन त्रिलोक में हुति बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्धले प्रगटे पूरी नवतन। ज्ञान तो था जगत के अंदर, ऐसा नहीं कि नहीं था, पर कैसा था कि सपने में हम लोग व्यापार कर ले तो फिर जागने के बाद उसको ढूंढने जाए तो मिलेगा? सपने में अगर किसी को पैसा दे दो, सोना दे दो, सोनी के पास हजार के 50,000 रुपया जमा करे आओ और जागने के बाद लेने जाओगे, मिलेगा? मिलता हो तो बता देना भाई, नहीं मिल सकता भाई, क्योंकि वो क्या है, सपना है। तो धाम धनी की प्राणनाथ जी की वाणी, अक्षरातीत की ये वाणी बता रही है कि चलो जुग जाहिर है
सुध बिना। जब तक जगत के अंदर परम धाम का ज्ञान नहीं आया था, उससे पहले दुनिया अज्ञानता के अंधकार के अंदर बेसुध में चली जा रही थी। बोलो श्री। अब बेसुधि किसको बोलते हैं? एक तो धर्म की बेसुधि, ज्ञान कई प्रकार का है, उसमें मुख्य प्रकार है लौकिक और अलौकिक। लौकिक ज्ञान, लौकिक विद्या वो होती है जिससे हमको संसार में रहना कैसे पता चल जाता है, संसार में खाना क्या है। मोटी भाषा में समझे तो रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कैसे खाना है ये पता चल जाए, कपड़ा के लिए पैसे कैसे लेना वो पता चल जाए, और शरीर को रहने के लिए मकान की आवश्यकता पड़ती, इसको बोलते हैं लौकिक ज्ञान। क्या बोलते हैं? पर लौकिक ज्ञान पाने से संसार में शरीर का भरण पोषण होता है, पर शरीर जिसके लिए हमने धारण किया है उसका कोई अता पता नहीं होता। शरीर भाई खाने के लिए धारण किया है? सोने के लिए नहीं। तो क्यों? शरीर के अंदर आखिर जीव आया थे तो क्यों आया? इस बात को जानने के लिए ऋषियों ने हिमालय के अंदर गहन समाधि लगाई कि आखिर यह जीव इस सृष्टि के चक्र में बार बार भ्रमण क्यों करता है। कभी वो पशु बनकर के संसार में विचरण करता है, कभी पक्षी बनकर के आसमान में उड़ता है, कभी छोटे छोटे कीड़ा बन जाता है, आखिर यह क्यों बनता है? इसको जानने के लिए ऋषि मुनियों ने आंतरिक लैब में गए। जैसे हम लोग कुछ साइंटिस्ट लोग कुछ खोज करते हैं तो लैब में जाते हैं ना, बड़ी बड़ी लेबोरेटरी में। हम लोग बीमार पड़ते हैं, कौन सा रोग है वो जानने के लिए डॉक्टर लिख के दे देते हैं, फलाना है लैब में जाओ। क्या करने के लिए? ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। और ब्लड टेस्ट में क्या आएगा? अंदर लक्षण पता चलेंगे, रोग कौन सा छिपा हुआ बैठा है, कहां बैठा है? ब्लड में। बोलो श्री। वैसे ही प्यारे साथियों, एक ज्ञान की लेबोरेटरी है। कौन सी लेबोरेटरी है? ज्ञान की। उसके अंदर उतरेंगे तो पता चलेगा कि आखिर ये हमको कौन सा रोग लगा है, तो के भव रोग लगा है। कौन सा रोग लगा है? कौन सा रोग? भव रोग। भव रोग का निदान आज तक नहीं मिला था, इसलिए तो वाणी में लिखा है यहां को दारू न मिले तबीब, ना तो उसकी दवाई है ना उसके डॉक्टर से। एमडी आज कोई भी शरीर के ऊपर रिसर्च करके डॉक्टर बन सकते हैं। कभी भी सुना के भवरोग के ऊपर किसी ने पीएचडी की, कोई उसके ऊपर एमबीबीएस हुए है? नहीं भाई, ये लेब ही आंतरिक लेब है। तो ऋषियों ने जब ध्यान साधना आंतरिक दृष्टि किया तो पता चला कि रे जीव का तो बहुत सूक्ष्म स्वरूप है, उसको जाना कैसे जाए, उसको दुनिया के सामने रखा कैसे जाए। तो दुनिया के सामने ऋषियों ने आकर के बताया कि जीव का जो स्वरूप, हमारा जो शरीर है वो तो जीव का शरीर है, अभी जीव वो नहीं है। वास्तविक स्त्री भी एक शरीर का नाम है, पुरुष भी एक शरीर का नाम है, तो कि भाई जीव कैसा है? तो ऋषियों ने दुनिया को समझाने के लिए बताया कि भाई एक बाल का माथा का एक बाल तोड़ना, उसके 100 टुकड़े करना, कितने? बोलो श्री प्राणनाथ। भाई समझाए छे ने? माथा नो एक वाल तोड़वो ने ना कितला टुकड़ा करवा? 100। एमाथी पण एक टुकड़ो ले लेवो, बीजा बधा ज टुकड़ा फेंकी देवा। उसके बाद उसमें से भी एक टुकड़ा ले लेना और 1000 टुकड़े करना, फिर 10,000 टुकड़े करना, उसका एक एक बाल का तिनका लेकर के उसका 10,00,000,000,000 गुना सूक्ष्म जीव है। ये सुनने के बाद बुद्धि चकरा जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस बात को जानने के लिए अंतर्दृष्टि करनी पड़ेगी। अब ये वर्षों से भटक कौन रहा था? तो कि शरीर धारण करने के लिए इंद्रियों के चक्कर में जीव, जागृति कितने प्रकार की होती है? ध्यान से बोलो श्री। प्रसंग चल रहा है सुंदर साहब जी, चले जुग जाए रे सुध बिन। तो अज्ञानता के अंधकार में सारी सृष्टि चली जा रही थी। तो किसका अंधकार है? एक तो शरीर का अंधकार है, शरीर को कैसे रखना है, क्या खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सुध नहीं है, खबर नहीं है हमको। जब ज्यादा खा लेता है तो भी तकलीफ है, कम खाते हैं तो भी
पता ही नहीं है। शरीर प्रति जागृति, शुद्ध पाना, चलने प्रति जागृति कि हम चल रहे, पर कहां जाना है हमको पता नहीं। हम घर से निकलते चलते रहते, कहां कदम रखना चाहिए कहां कदम नहीं रखना चाहिए हमको जागृति नहीं है। हम बेसुधि में जीवन जीते हैं। कैसा जीवन? इसलिए धनी कहते चले हो जुग जाए रहे शुद्ध भी। शरीर प्रति जागृति, जीव प्रति जागृति। अब जीव को जीव प्रति क्या चौकन्ना रहना, कैसे जागृत रहना? कहीं 24 घंटे के अंदर ऐसे लोगों की कहीं संगति ना हो जाए जो हमारे चित्त के अंदर ऐसे कुसंस्कार का सिंचन कर दे और रात भर हमको नींद ना आवे। बोलो श्री। जब ये संगति लगेगी तो ये नुकसान किसको होगा? जीव को होगा। किसको होगा? जीव को होगा। दिन में लड़के आओगे तो रात को सो पाओगे, विचार आएगा अरे, फिर यही विचार महीने तक खोपड़ी में माथे में घूमता रहेगा गोल गोल, फिर विचार आएगा। भक्ति में बैठोगे माला हाथ में घूमेगा और विचार अंदर घूमेगा। इसलिए कहते हैं कि भाई जीव के प्रति जागृति, आत्मा के प्रति जागृति। जो जीव के अंदर, जीव के अंतःकरण में जो संस्कार आएगा, उसी जीव के अंतःकरण में कौन देख रही? आत्मा। और वही प्यारे साथियों जो यहां आत्म देखेगी उसका प्रभाव कहां पड़ेगा? परात्म में। बोलो श्री। उसका प्रभाव कहां पड़ेगा? परात्म में। इसलिए आत्म प्रति भी चौकन्ना रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, जागृत रहना रे नगर में चोर आएगा। इस संसार बाहर के चोर नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मत ईर्षा, ये चोर अंदर के हैं। और वो हमारे जन्मों जन्म का जो इकट्ठा किया हुआ धन है वो चुरा ले जाते हैं। और कहीं ध्यान का समय है या पढ़ने का समय है, इसमें से एक भी आ गया तो हमारा समय गया। अर्धित यहाँ बैठे बैठे सोचते होंगे, अरे कब समय खत्म हो जाए, कब घर जाए, कब गाय भैंस वाले होंगे वो दूध का सोचते होंगे, धंधा पाने वाले होंगे वो अपना सोचते होंगे, बैठे यहां है पर मन वहां है। ऐसे सच उसको बेसुधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसुधि। चले हो जुग जाए रे शुद्ध बिना। सारी दुनिया बेसुध में चली जा रही है, सुंदर बसाद भी ज्ञान की अज्ञानता में चले जा रहे। ज्ञान तो हमको हुआ जागृत बुद्धि निज बुद्धि का, पर ज्ञान की हमको क्या है? अज्ञानता है। नहीं तो ज्ञान की अगर पहचान हो जाती, ज्ञान तो मिल गया पर ज्ञान की पहचान नहीं है। कैसे बताता हूं ध्यान से। अगर किसी मां बहन या भाई का सोने का अगर दागिना खो जाए तो दूसरे को कहे बिना वो 100 बार ढूंढेगा, जब नहीं मिलेगा तो पड़ोस को बोलेगा, साथ वाले को बोलेगा, पहले खुद ही ढूंढेगा। पर क्यों? क्योंकि उसको पहचान है। अगर पैसा गिर गया तो उसको ज्यादा चौंकना रहेगा, क्यों? उसकी उसको पहचान है। पर ये कहा जाता है कि ये ब्रह्मवाणी है याज्ञवल्क्य, तो यहां तक कहते हैं मैत्री मैंने संसार का सारा धन पा लिया है, मेरे पास आत्मबल है, मैं जो चाहे वो त्रिभुवन के अंदर कर सकता हूं, पर मैं जंगल में जाकर के साधना करना चाहता हूं। तो मैत्री कहते घर में साधना नहीं हो सकती, घर में भजन नहीं हो सकता। बोले नहीं, वहां कोई ऋषि मुनि मिलेंगे कंदमूल खाते हुए, वो मुझे आत्म का मार्गदर्शन करेगा। तो क्या आप क्यों जाना चाहते, उसका कारण क्या है? तो कि आत्मज्ञान के लिए। किसके लिए? आत्मज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए। तब जाकर के याज्ञवल्क्य कहते हैं मैत्री अगर कोई मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दे, आत्म का ज्ञान दे दे, परम धाम कहाँ है वहां जाने का रास्ता बता दे, तो मैं मेरे आत्मबल से धरती के जितने पत्थर है उसको हीरा बना करके गिफ्ट कर दूं। बोलो श्री। ये तो याज्ञवल्क्य जैसे बोल सकते भाई, अपनी ताकत नहीं है, क्योंकि अपन को ज्ञान मिला है, अभी पहचान मिली नहीं है, ये मेहर बाकी है। सुंदर साथ। अब कहते हैं कि संसार अज्ञानता में अगर घूम रहा था तो उसकी उत्पत्ति कहां से हुई? क्या जागृति से हुई है या बेसुधि से हुई? तो सुंदर साथ जी बताते हैं, मूल प्रकृति मोह अहम थे उपजे तीनों गुण। संसार के अंदर प्रकृति की छाया है,
दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फेण। अभी दूध अंदर है, फेण फेण ऊपर होता है कि नीचे? दूध निकाले उनको पता है, खाली खाली थोड़ी भाई जान, यहां तो दूध की डेयरी है, देख लेना भाई। फेण कैसे कहां होता है? ऊपर। पर हमको नजर क्या आता है? फेण नजर आता है कि दूध? नहीं पता तो देख लेना। धनी कहते हैं कि दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फेण। तो संसार क्या है बोले, इसकी स्थिति क्या है? ये तो मूल प्रकृति की छाया है। वाणी में वर्णन आता सब छाया में रहे ऊर्जाए। सब भुला पड़े हैं छाया में, मूल का पता नहीं है, जड़े कहां है, ये पेड़ कैसा है, प्रकृति रूपी ये पेड़ है वो कैसा है। धनी कहते हैं मूल प्रकृति मोहम थे उपजे तीनो गुण। अरे भाई ये छाया प्रकृति है तो मूल प्रकृति कहां है? संसार बना कहां से? तो क्या मूल प्रकृति? तो मूल प्रकृति क्या है, कहां रहती है? आइए सुंदर साथ जो वाणी पढ़ती उनको पता है। चलिए मूल प्रकृति है कहां है, ये प्रकट कहां से होती है? मंथन वाले, क्योंकि चर्चा सत्संग हो चुका है, लास्ट में है थोड़ा मंथन। क्या है? मंथन। तो प्रगटवाणी पढ़ते हैं सुंदर साथ, जानते हैं तो बताना कि मूल प्रकृति का प्रकटन कहां से होता है, उसके बाद कारण प्रकृति आती है। सृष्टि का बीज है तो ये बीज छिपा कहां है? यहां आप नीम का पेड़ देख रहे हैं तो नीम का पेड़ तो नीम के बीज में तो इतना डालियां तो नहीं होती ना भाई, वो सूक्ष्म में होता है ना। तो सृष्टि भी बनी उससे पहले वो कहां थी भाई? प्रगटवाणी वाले थोड़ा बोलना भैया, लास्ट में बोले बाबा आया और गुत्थी मार के चला गया ले, ये जानने वाली बात है। सुंदर साहब एक चौपाई आती है, निज लीला, चौपाई आती है ना, निज लीला, बोलो बोलो, ब्रह्मा बाल चरित्र जाकी इच्छा मूल प्रकृति। ये मूल प्रकृति किसकी इच्छा है? चौपाई भी बोल दिया है तो उसके और खुलासा थोड़ा करने का प्रयास कीजिएगा कि मूल प्रकृति है क्या। तो के निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र, अक्सर ब्रह्म की इच्छा। पर ऐसे तो आदमी के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती है, जैसे मनुष्य के अंदर इच्छा होती है तो अक्षर ब्रह्म के अंदर इच्छा होती है। क्या अक्षर ब्रह्म के अंदर एक ही इच्छा है? पर वाणी में लिखना पड़ा निज लीला ब्रह्मा बाल चरित्र, जैसे बालक खिलौने बनाता है मिटाता है, उसी अवस्था की इच्छा को मूल प्रकृति कहा गया है। बोलो श्री। ऐसे इच्छा तो बहुत सारी है पर यहां लिखा गया बाल चरित्र। ऐसा जवान भी लिख सकते थे, बुढ़ा भी लिख सकते थे, पर कौन सा लिखा? बाल चरित्र। जैसे हम लोग सुंदर साथ बोलते हैं, ये कोई हमारे अमृत गुरु जी कहते हैं कि नई बातें नहीं है पर याद दिलाते हैं। अक्षर ब्रह्म जब हम सृष्टि में नहीं आए थे उससे पूर्व ब्रह्मांड बनाना और मिटाने की जो स्थिति थी, प्रक्रिया थी, वो कैसे थी? तो कि एक पल में कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देखे, ये स्थिति तो अक्षर ब्रह्म की थी। वही अक्ष उसी अवस्था की बात चल रही है। एक बाल्य अवस्था है, जैसे बालक को आप समझ लेना क्योंकि प्रसंग लंबा है। तो सुंदर शाह जी यहां बताते हैं कि मूल प्रकृति से क्या उत्पन्न हुआ? मोह। और मोह कौन सा तत्व है? संसार के अंदर चौदह लोक के अंदर कितने तत्व है? सीधी बात, जब जूनागढ़ के अंदर प्यारे सुंदर शादी प्रसंग चल रहा था, श्री जी पहुंचे थे हरजी व्यास के वहां। ये प्रसंग आपने नवतनपुरी में भी मेहराज ठाकुर और गोवर्धन भाई जब कांजी भट्ट के वहां गए, केशव राय ने कहा था बेटा जो भी सवाल करना गुरुजी से कर लेना। तब जाकर के उन दोनों भाइयों ने सवाल क्या किए थे कांजी भट्ट से कि भट्ट जी ये बताओ परलय कितने प्रकार के हैं? तो क्या बताया था? चार। लोक कितने हैं? तो क्या बताए थे? चौदह। समझ में आया ना?
प्रलय कितने हैं? चार तत्व। छठा तत्व बताया था नहीं? तो यहां प्यारे सुंदर साजी मेरा कहने का अर्थ है, उन्होंने सवाल किया था, तो फिर जब पिंड और ब्रह्मांड का नाश होगा तो आत्मा और परमात्मा का ठिकाना कहां रहेगा? तो उन्होंने कहा था कि भाई यह पाताल के अंदर अंगूठा जैसा रूप धारण करके परमात्मा रहते, तो पाताल कौन से लोक में आया? तब वो भटकी सुध बुध गए। महाराज कहते गोवर्धन भाई बैठो, मेरा काम है, मैं पूछता हूं इनको, गुरुजी बताओ कि ये कहां है? जब महाप्रलय हो जाएगा तो पाताल कहां रहेगा? तो कि अब हम क्या करें, हमारे बाप दादा को नहीं बताया तो हम क्या बताएंगे? पूर्वजों को बोलने लगे। यह एक सवाल था कि पांच तत्व है, तत्व कितने हैं? पर यहां मोह तत्व कौन से नंबर का है? हम लोग बोलते हैं ना मोह तत्व, ये कौन से नंबर का है? छह तत्व है। मोह तत्व से ही पांच तत्व का प्रकटन होता है। बोलो श्री। हाँ, मोह तत्व से पांच तत्व बनते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो बताते हैं मूल प्रकृति मोह, मूल प्रकृति से मोह प्रकट हुआ और मोह से क्या उत्पन्न हुआ? अहंकार, अहम। यहां सुंदर साथ जब भी किसी को बताते हैं उपनिषदों के अंदर यह वर्णन आता है, एक को अहम बहु प्रजायते, ये लिखा हुआ है, उसको सुंदर साथ बोलते हैं एक को हम बहु श्याम। ये बाद में प्रकट होता है मोह, और मोह से प्यारे सुंदर साधी आदि पुरुष, पहला पुरुष आदि नारायण का प्रकटन होता है। अब आदि नारायण का प्रकटन हुआ, उसके बाद पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये प्रकट हुए। तो समझना यहां एक बात, थोड़ा जयकार लगाओ, बोलो श्री। सुंदर साहब जी, यहां विद्वानों का मत है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के आधार पर ये गुण भी है और देव भी है। यहां ये खास, ये जब चौपाई पढ़ो तो ये खास ध्यान रखने का कि तीन गुण का जब आप पठन करते हैं तो तीन गुण में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी लिया जाता है, और तीन गुण हमारे शरीर के अंदर भी तीन गुण है। इसका मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश थोड़ी बैठे हुए। जब हम लोग गुस्से में होते हैं तो कौन सा गुण काम करता है? बोलो बजा। हाँ तो हिमालय थी आए एटले गुस्सो न आवे भाई, क्रोध आवे न आवे। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे अंदर कौन सा गुण काम करता है? तमोगुण। जब हम लोग थोड़ा सा कम गुस्सा, थोड़ा आनंद और थोड़ा गुस्सा, तो समझ लेना कौन सा गुण काम करता है? रजोगुण। और ऐसा लगे कि आनंद मंगल में है, किसी भाई को देख करके पता चलेगा कि भैया इसका मुख खिला हुआ है, स्फूर्ति में है, तो समझ लेना इसको कोई चिंता। अरे किसी को टेंशन होता है तो टेंशन तो अंदर होता है पर उसका भाव कहां निकलता है? दिल की बातें आंखें बता देती है पर पढ़ने वाली नजर होनी चाहिए। हमारा टेंशन होता है ना तो मुख के ऊपर ऑटोमेटिक झलक जाता है, तो पड़ोसी आकर के बोलता भाई यार क्या टेंशन है, उसको हमने बोला क्या? फिर वो बोल लेते हैं। क्यों? कि हमारा अंदर का भाव कहां झलकता है? चेहरे पर। बोलो श्री प्राणनाथ। तो हमारी सात्विक अवस्था भी चेहरे पर झलकती है, तामसिक अवस्था भी चेहरे पर झलकती है, राशि अवस्था भी चेहरे पर झलकती है। तो सुंदर साध ये जो अवस्थाएं हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन गुणों के देवता अलग है और प्यारे साथियों ये तीन गुणों भी अलग है। समझ में आ गया ना? अब बताते हैं सो पांचों में पसरे हुई अंधेरी चौदह भवन। तो ये पांच तत्व तो भी प्रकट हो गए, सृष्टि भी प्रकट हो गए। तो सृष्टि में सबसे पहले कल से ये बात चल रही थी कि सृष्टि के प्रारंभ में क्या आया? तो के वेद आए। क्या आया? और वेद क्यों लाए? अंगिरा, ये ऋषि है ना चार, तो ऋषि बड़े होंगे तब वेद लाए, पैदा होते ही वेद लेके आए। वेद का ज्ञान आया तो ये बड़े होंगे, साधना की होगी, ध्यान तपस्या की होगी, तो उनके बाप को कौन सा ज्ञान था? सवाल तो होता ही है ना भाई, तब वेद कहां पर थे?
इसका मतलब मैं वेद का खंडन नहीं कर रहा हूं, पर ये मूल की बात बता रहा हूं। जब ये चार ऋषि वेद लेकर के आए तो सृष्टि प्रारंभ हुई, तो तब ये चार वेद कहां पर थे? ये तो बड़े होंगे, साधना की होगी तब जाकर के ब्रह्मा जी ने इनको ज्ञान दिया, तो तब वेद आए। उससे पहले कौन सा ज्ञान था? क्या सबसे उससे पहले सृष्टि का अंदर ज्ञान नहीं था? था। ध्यान से, वेद का अर्थ ही चार वेद नहीं होता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। बोलो श्री, या हम भ्रमित हो जाते हैं इसलिए कहना जरूरी है। वेद का अर्थ चार वेद अकेले नहीं होता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, विद्या। तो अंगिरा, आदित्य जो भी ऋषि है प्यारे साथियों, सबसे पहले प्रकृति का ज्ञान था। शाम की चर्चा में पूज्य स्वामी जी ने यह बात बताई थी, दिन की चर्चा में बताई थी। प्रकृति इस सृष्टि के अंदर कुछ भी घटता है तो अवार नवार कोई भी महापुरुष वहां प्रकट होकर के वो दुनिया को रास्ता बताता है। पर फिर ऐसा हुआ कि भाई अब काम चलने वाला नहीं है, अब ज्ञान दुनिया में लाना पड़ेगा, तब जाकर के साथियों ये ज्ञान आता है। पर कहने का अर्थ है, प्रलय प्रकृति जब भई तब पांचों चौदह पतन, मोह अहम सब उड़े रहे न सरगुना निर्गुण। समय भी पूरा हो चुका है, पर जब प्रलय प्रकृति हो जाती है, प्रलय प्रकृति का अर्थ यहां महाप्रलय से लिया गया है, तब सरगुण निर्गुण ये सृष्टि भी नहीं बचती है, तब हम कहां रहेंगे? तो श्री प्राणनाथ जी की वाणी एक स्वर में बता देती है, निराकार के पार थे तीन पार के भी, जब सूर्य नहीं था चंद्रमा नहीं था तब भी हम थे, तब भी प्यारे सुंदर साजी ये सृष्टि बनने की प्रक्रिया चलती थी, पर हम कहां थे? तो मूल मिलान। तो संसार में कोई भी साधु संत फिर फकीर मानव अपना आत्म कल्याण करना चाहता है तो ऐसे ब्रह्मज्ञान महायज्ञ के परमात्मा के श्री चरणों में बैठ करके अपने आत्म के अंदर तत्व ज्ञान को वो ग्रहण करें, दुनिया के सारे इन पड़ को हटा दे। मैं काला हूं गोरा हूं वो अवस्था को भूलना पड़ेगा, मैं ऊंच हूं नीच हूं ये अवस्था को भूलना पड़ेगा, मैं अमीर हूं गरीब हूं वो भी अवस्था भूलनी पड़ेगी। उसके बाद शुद्ध चेतन अवस्था में आकर के परमात्मा को पुकारा जाए तो अर्जी कबूल होती है, होती है, होती है। क्योंकि पन्ना जी में सुंदर सात दिन में जब चार बज जाते हैं तो गोकुल एक मिनट है गोकुल आकर के दिन के चार बजे आते थे ना, तो गोकुल आकर के श्री जी के पास बैठते थे, सारे सुंदर साथ चर्चा चलती थी। गोकुल आकर के कहते थे, श्री जी अब रहा नहीं जाता, घर बार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अब यहां ला करके कहां हमको कसा कर रखा, चलो परम धाम। सब सुंदर साथ के वती गोकुल कहते, गोकुल अरज करत है सामे आए तकत। सामने श्री जी के सामने कहते, आप ही हो हमारे लिए दूसरा कुछ नहीं, अब ले चलो धनी। गोकुल अरज करते सामे आए, कहां का समय हो जाता है? अर्श की नमाज का। कहने का अर्थ है, सुंदर साध श्री जी को जिस अवस्था में सुंदर साध पुकारते थे और श्री जी उन सुंदर साध के मन की मनोकामना पूर्ण करते थे, आज वही शक्ति है, वही श्री जी है, वही वाणी है, रूप बदला है, स्वरूप बदला नहीं है। पिछले साध कारणीय वाणी कही, फर्क केवल विश्वास और भावना में है। नहीं तो धनी कहते हैं लाओ प्यार करो, अरे दुनिया को छोड़ो। प्यारे सुंदर साजी सूरदास अंधे थे, पर भाव था कि मेरे दिल में तो काना बसा है। जब वो खाई में गिर गए, कुएं में गिर गए, उसको काना को पता है ये अंधा है, पर दिल में तो काना बसा है। आखिर में कृष्ण को तो पता चल गया कि सूरदास गिर गया, अब निकलना पड़ेगा। रूप धारण किया ग्वालिया का, ग्वाले का, अंदर से हाथ पकड़ा सूरदास को, पता चल गया को हो ये तो कोई ग्वाला नहीं है, ये तो मेरा काना है। हाथ पकड़ते कह दिया कि ये आप काना नहीं, नहीं आप बाहर निकलो। जब हाथ सूरदास ने काने का काना का पकड़ लिया, श्याम का पकड़ लिया, तब जाकर के हाथ झटक दिया, बोले ना आप अपने रास्ते में, अपने रास्ते। सूरदास ने कह दिया मेरी आंखें अंधी है, मेरे दिल की आंख अभी अंधी
नहीं है। अंदर से बोल पड़े, हाथ छुड़ावत जात हो निर्बल जाना मोहे, पर दिल से जब निकलोगे तो मर्द बखानो तो है। एक कहने की ताकत जो दिल में बसा लेता है उसके अंदर होती है। इस इंद्रावती आत्म ने भी कहा है राज्य को, राज्य महाराज मैं पिंजरा बना करके आपको तोता बनाऊ, और फिर स्वामी जी इसकी चर्चा करते हैं। पर यह ताकत कब आती है? संपूर्ण हम अपना अधिकार नियम का पालन करेंगे और प्रेम के अंदर डूब जाएंगे, राज्य को बसाएंगे, बाद में अधिकार प्रयोग हो सकता है, वरना नहीं। इसलिए कंथराय सुंदर साध धन्यभागी पूज्य महाराज श्री ने ये जो अथाह मेहनत करके परिश्रम करके ये ब्रह्मज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया है। धाम धनी ऐसी महाशक्ति बख्शिश करते रहे। आइए सुंदर साथ जी, मेरा समय पूरा होता है। जो भी सुंदर साथ यहाँ आए हैं कुछ ने कुछ प्रतिज्ञा लेते जाए, क्योंकि ये कलयुग हलाहल कलयुग में बैठे। कौन से युग में? कलयुग में थे ही, पर हलाहल कलयुग में। कौन सा कलयुग? एक तो आग होती है और दूसरी दावानल होती है। इसलिए दावानल के अंदर बैठे हैं, इसमें कोरोना या हो सकता है कोई डबल ग्रेड में आ जाए, अपग्रेड हो जाए, तो कोई दूसरा वर्जन आ गया। तो उससे पहले दुनिया की चिंता छोड़ करके साथियों धनी के आनंद में डूबने का प्रयास कीजिएगा। तो इति धन और उथि धन बोलो श्री प्राणनाथ चौपाय द्वारा। प्रलय प्रकृति जब भई तब पांचों चौदे पतना मोह अहम सबे उड़े रहे सरगुना निर्गुना।